हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है भारत माता का चित्र। तो भारत माता के चित्र को लेके आज हम जो है चर्चा करेंगे। भारत माता का चित्र की विशेषताएं क्या हैं, इतने ये सब चीज़ के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास जो है नए नए टॉपिक्स का जो है नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का टॉप वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो यह है, देख सकते हैं आप, यह है भारत माता का चित्र। भारत माता का जो चित्र है ये तो हमारे भारतीय गौरव और राष्ट्रीयता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस चित्र को जो है सन 1870 के दशक में बंकिम चंद चटर्जी जो है वो जो कि बंगाली एक पोएट हैं, लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, उन्होंने इसका जो है इसको जो है चित्रित किया था सबसे पहले। और इन्होंने जो है अपने एक उपन्यास में आनंद मठ में भारत के विचार को जो है देवी माँ के रूप में लोकप्रिय दी थी। और उसके बाद ही जो है इसको जो है 1905 में भारत माता चित्र को अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया। लेकिन भारत माता चित्र को जब अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था सन 1905 में, तब इसका नाम भारत माता नहीं था, इसका नाम था बंग माता, यानी बंगाल की माता, या बंग माता के नाम से इसको लोकप्रिय किया गया था। क्योंकि उस वक्त 1905 के दशक में बंगाल विभाजन हो रहा था, स्वदेशी आंदोलन हो रहा था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। तो उस टाइम का ये चित्र उस टाइम का बना हुआ सन 1905 में, जो कि भारत को रिप्रेजेंट करता किया गया है इस चित्र के माध्यम से। इसमें जो है जब इस चित्र को बनाया गया तब सिस्टर निवेदिता की नज़र जो है इसमें पड़ी थी और उन्होंने इसे जो है खूबसूरत युवा सन्यासी के रूप में देखा और एक राष्ट्रवाद और कला मानव रूप और दिव्य आत्मा के अमूर्त आदर्श के रूप में इसको देखा था। सिस्टर निवेदिता यहाँ तक कि इसे जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले जाना भी चाहती थी। तो भारत माता का चित्र जो है इतना फेमस था और आज भी बहुत फेमस है। तो चलिए हम लोग अब इसके थोड़े विषय वस्तु और रचना के बारे में जान लेते हैं कि इसका थीम एंड कॉम्पोजिशन कैसा रहा। भारत माता का चित्र का जो थीम था वो थीम किस चीज़ को लेकर बनाया गया और इसका कॉम्पोजिशन, इसकी जो रचना थी वो कैसे की गई। तो भारत माता का जो चित्र है, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये राष्ट्रीय गौरव और एकता के प्रतीक के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। और ये जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान इस चित्र को चित्रित किया गया। जैसे मैंने आपको कहा कि 1905 में जो है इस चित्र को इसको जो है चित्रित किया गया और यह बंगाल विभाजन के टाइम पर सन 1905 में इसको बनाया गया था। पेंटिंग की जो केंद्रीय आकृति थी, जो मेन पॉइंट था, वो था 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय संस्कृति और भारत के अर्थव्यवस्था से जुड़ी बहुत सारी जो बातें थी, वस्तुएं थी, जैसे कि एक पुस्तक हो गया, किताब हो गया, धान का ढेर हो गया, सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा हो गया, एक माला हो गया, ये सब चीज़ जो है इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय अर्थव्यवस्था को दिखाती है। इसके अलावा जो है पेंटिंग में जो है केंद्र आकृति के रूप में इसके इनके चार हाथ दिखाए गए हैं, जो कि हिंदू कल्पना को दर्शाते हैं और जो शक्ति को दर्शाते हैं, शक्ति की अपार शक्ति के सम्मान को यहाँ पे दिखाया गया है इस पेंटिंग के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि भारत माता के चित्र की मुख्य विशेषताएं क्या है। जो हमारा मेन टॉपिक है कि भारत माता के चित्र की मुख्य विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भारत माता पेंटिंग, तो इसमें क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है, भारत माता की मेन मेन क्या क्या विशेषताएं। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने जब इसे बनाया तो सबसे पहले तो इसमें जो है राष्ट्रीय एकता और अर्थव्यवस्था की भावना जो है देखने को मिलती है। लेकिन और भी इसके अलावा और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि पहला है कि इनको जो है भगवा धारी दिव्य महिला के रूप में दिखाया गया है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि भारत माता का जो पेंटिंग है इसमें भारत माता का जो कपड़ा है, जो ड्रेपरी बनाया गया है, वो है एक गेरुआ रंग का, यानी वो है एक सेफ्रोन कलर का, जो कि एक साधु का कलर माना जाता है, जो एक साधु का भेष माना जाता है, उस हिसाब से यहाँ पे साध्वी के रूप में दिखाया गया है, एकदम सादा जीवन जीने वाली। और इनका अगर हम लोग पैर देखें तो देख सकते हैं इनका पैर जो है एकदम खाली है, इनके पैर में जो है चप्पल नहीं है। तो साधु के पैर में जो कि जबकि चप्पल नहीं होता है, जो मैंने एकदम कंकड़ पत्थर में
जैसे भी स्थिति हो वो अपने पैरों में चप्पल धारण नहीं करता, क्योंकि वो सादा जीवन जीता है, किसी भी तरह की भोग विलासिता उसके पास नहीं रहती है। तो उसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, फिर है कि इसमें चार भुजाएं देखने को मिलती हैं, इनके जो है चार हाथ देखे जाते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं देवी के रूप में इनको दिखाया गया, जैसे हम लोग दुर्गा माता को देखें, काली माता को देखें, या फिर किसी भगवान को देखें, तो हम लोग देखते हैं क्या है कि उनके बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे हाथ हैं इन द सेंस कि उनको उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, शक्तियाँ हैं। तो उसी के हिसाब से जो है इनको भी दिखाया गया कि इनके पास भी बहुत सारे पावर और शक्तियाँ हैं। इनके चार हाथ हैं, एक हाथ में जो है किताब है, पुस्तक देखने को मिलता है, और एक हाथ में जो है धान का ढेर यानी वीट का ढेर देखने को मिलता है, एक में जो है ये सफेद कपड़ा लिए हुए है, और चौथे हाथ में जो है इनका माला देखने को मिलता है, जो कि जप माला है। जब हम लोग कोई चीज़ें जप करते हैं तो जो हमारी रुद्राक्ष की माला जो होती है, जप माला, वो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाने का मतलब ये बनता है कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है ना, रोटी कपड़ा और मकान, तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक तरह से दिखाया गया है। और साथ ही जो है उस कॉन्सेप्ट के साथ एक और चीज जोड़ा गया है, ज्ञान, जो कि आजकल के समावेशी शिक्षण और समावेशी चीज को हम लोग देखें तो वो यहाँ पे रेलिवेंट हो जाता है। यहाँ पे वो जो है एकदम कंटेम्प्रेरी रूप में मिल जाता है कि रोटी कपड़ा मकान और ज्ञान शिक्षा, तो यहाँ पे उस चीज को दिखाया, जबकि पेंटिंग 1905 की बनाई गई है, लेकिन 2023 में भी रेलिवेंट है बहुत हद तक, है ना। तो यहाँ पे कप, यहाँ पे किताब जो है शिक्षा को दर्शाती है, धान जो है यहाँ पे फूड या खाने को दर्शाता है, और यहाँ पे सफेद कपड़ा जो है वो पवित्रता को दर्शाता है, और यहाँ पे जो है जप माला जो है वो धर्म के कर्मकांड को दर्शाता है, या फिर धार्मिक रिलीजियन को दर्शाता है। और इनके हम लोग देख सकते हैं कि इन्होंने जो है माथे पर सिंदूर लगाया हुआ है, यानी ये विवाहित, और इनके इनके गले में भी देख सकते हैं हम लोग की एक माला है, जो कि साधु के गले में एक माला होती है एकदम सादा, वैसा ही यहाँ पे गले में जो है माला दिखाया गया है। माथे में जो है ऊपर से चुनरी जो है वो माथे के ऊपर से गई हुई है। और यहाँ पे एक और मेन चीज है कि सर के पीछे जो है हम लोग को एक हेलो देखने को मिल जाता है। हम लोग देखते हैं कि किसी भी भगवान या किसी भी मेन जो एक पर्सन होता है उसके सर के पीछे हम लोग देखेंगे हेलो देखने को मिलता है। फिर गौतम बुद्ध के सर के पीछे भी हेलो देखा गया है, महावीर स्वामी के पीछे भी है, यहाँ तक कि हम लोग अगर भारत के देवी देवताओं को भी देख लेते हैं तो जो दुर्गा माता का चित्र या फिर गणेश जी का, फिर किसी का भी चित्र हम लोग देखते हैं, श्री कृष्ण का चित्र हम लोग देखते हैं, तो पीछे में एक गोल सा हेलो रहता है। तो वो हेलो का मतलब ही है कि इनको जो है इम्पोर्टेंस दिया गया है, इनको जो है महान दिखाया गया है, एक देवी के रूप में या एक शक्ति के रूप में इनको जो है दिखाया गया। और ये हेलो का जो है लाइट जो है वो ये वो लाइट जो है वो स्प्रेड कर रहा है, पूरी तरह से फैल रहा है, इस तरह से इसको दिखाया गया है। और पीछे बैकग्राउंड में हम लोग देख सकते हैं कि येलो कलर दिखाया गया है, प्रकाश है, रोशनी दिखाई गई है, और साथ ही धीरे 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 करके जो कलर जो है वो एकदम से लाइट हो गया है। वाटर कलर में हम लोग देखें तो यहाँ पे वाटर कलर का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे वॉश टेक्निक का यूज़ किया गया है, इसीलिए पेंटिंग जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है। और इसमें टिंट एक लास्ट में जो है एक पतला सा लेयर दिया गया है जिसको टिंट बोलते हैं, तो इससे जो है पेंटिंग और भी ज़्यादा सॉफ्ट और भी सब ज़्यादा जो है आई सूदिंग हो जाता है। पैरों के नीचे हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें सफ़ेद रंग का कमल का फूल देखने को मिलता है, जो कि पवित्रता का प्रतीक है। जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय पुष्प के हिसाब से कमल तो है ही, लेकिन यहाँ पे सफ़ेद रंग का कमल दिखाया गया है, तो सफ़ेद रंग का कमल क्या दिखाता है कि वो पवित्रता को दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि यहाँ पे जो है पेंटिंग जो है ऐतिहासिक महत्व अपने आप में रखता है, क्योंकि भारत माता या मदर इंडिया जो है इसका बहुत बड़ा एक टॉपिक है, बहुत बड़ा एक छवि देखने को मिलता है। भारत माता को जो है अक्सर भारत के प्रतिनिधित्व करने वाली मातृ देवी के रूप में या मातृ छवि के रूप में दिखाया गया, जो कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक और राजनीतिक एकता को दर्शाती है। ये धन और ज्ञान का प्रतीक है, ये जो है सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में मदद करती है। तो हम लोगों ने देखा कि भारत माता को किस तरह से जो है दिखाया गया है। हम लोग यहाँ आज का जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग जो है टॉपिक अच्छा लगा हो या आप लोगों ने यहाँ से कुछ अगर जाना हो
हो, सीखा हो कुछ नया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाइएगा, ताकि और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें, और भी लोग, और भी नए नए टॉपिक्स मैं जो है लेकर आऊँगी, और भी मज़ेदार टॉपिक्स लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।